आज हम एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं, उसके बाद डीसी साहब को भी देंगे। जो ये बड़ागुड़ा और रोड़ी थाना डवली में मिलाया गया है, ना तो आमजन से संवाद किया गया और ना ही हमारे पास किसी तरह का संवाद का आया। बार बार संवाद की बात करती है सरकार, लेकिन संवाद इस बार ज़रूरत थी क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ की। जो गांव हमारे से 10 किलोमीटर दूर है वो डवली में मिला दिया गया और कनेक्टिविटी ना बड़ागुड़ा की डायरेक्ट है डवली के साथ और ना रोड़ी की किसी भी गांव की। तो 71 गांव हैं, सबसे हमारे पर प्रस्ताव आ रहे हैं और हम बड़ा पुरजोर से विरोध करते हैं। साथियों में काफ़ी रोष है, इस तरह का जो निर्णय लिया गया है वो एक तरफा निर्णय लिया गया है, वो नहीं होना चाहिए और हम जब तक इसको वापस नहीं लेंगे हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। और मेमोरेंडम दे रहे हैं डीसी साहब को, एसपी साहब को भी और सीएम साहब से भी मिलेंगे और जस्टिस महोदय से, चीफ जस्टिस साहब से भी, सभी से मिलकर ये मांग उठाएंगे कि ये जो नोटिफिकेशन की गई है ये डी नोटिफाइड हो। तो पब्लिक ने कितना सपोर्ट सर आपको मिल पा रहा है? पब्लिक से 71 के 71 गांव से हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सरपंचों के प्रस्ताव आ भी चुके हैं और प्रस्ताव सभी के आ जाएंगे क्योंकि वो भी नहीं चाहते। उन्होंने भी धरना जारी रखा है इसी मामले में कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ना सड़क की कनेक्टिविटी है, ना डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ भी नहीं है। बिना सोचा समझा निर्णय है और इसको वापस लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। तो नो वर्क डे चल रहा है? जी जी, नो वर्क रहेगा, इनडेफिनेट रहेगा और पुरजोर से इसका विरोध करेंगे और ये डी नोटिफाइड करवा के ही रहेंगे। किसान जथेबंदियों में समर्थन में है? हाँ बिल्कुल, समर्थन में आ रही हैं जी और काफ़ी जो गांवों से समर्थन मिल रहा है, गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी समस्या खड़ी हो गई। वो जाएंगे कैसे वहाँ पे अगर कनेक्टिविटी नहीं है, बस की कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें भी नहीं हैं और जो 10 किलोमीटर गाँव है बड़ागुड़ा, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है और वहाँ जाने पर उनको 1.25 घंटा लगेगा। रोड़ी से भी ऐसा ही है, यहाँ से 30-35 मिनट का, वहाँ 1.25 घंटा लगेगा। तो ये निर्णय सरकार को वापस लेना चाहिए, डी नोटिफाइड या नोटिफिकेशन करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। इस स्ट्राइक को जारी करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि हमारे सीनियर वकील और साथ में जो जूनियर वकील हैं उनको साथ में लिया गया है ताकि हम अपना सरकार से अपना मुद्दा जो है वो पूरे जोर से पेश कर सकें। मुद्दा ये है कि रोड़ी थाना और बड़ागुड़ा थाना ये पिछले 70 साल से सिरसा ज़िले में चले आ रहे हैं और इस बात की कोई ना तो रोड़ी थाना के जो गांव लगते हैं और जो बड़ागुड़ा के गांव लगते हैं उन्होंने कभी मांग भी नहीं की कि ये हमें इस सिरसा से कोई दिक्कत है और हम डवाली के साथ अटैच होना चाहते हैं। आज जो भी काम हो रहा है ये क्लोज डोर मीटिंग्स के थ्रू कुछ पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए ताकि हम जो है अपना पब्लिक ओपिनियन वहाँ पे क्रिएट कर सकें, वो ऐसा जान पड़ता है कि ये जो स्टेप लिया गया है बिना किसी कारण के और बिना लोगों की सहूलियत को देखते हुए ये लिया गया है और ये क्लोज डोर मीटिंग से जो लोग अफेक्टेड हैं उनको कभी सुना भी नहीं गया, ना तो पब्लिक कोई कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना कोई उनकी पंचायतों के द्वारा कोई मेमोरेंडम दिया गया। रादर हमें ये भी पता लगा है कि रोड़ी गांव के लोगों ने आज से 3 महीने पहले इस बात के लिए धरना भी दिया था और उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया और उनकी कोई सुनाई भी नहीं हुई। आज जो है ये मैटर बार जो है एक सार्वजनिक हित के लिए काम करती है और लोगों के साथ जो है उनके हित जुड़े हुए हैं तो वो जो लोगों का हित देखते हुए और ये पब्लिक जो इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम इस स्टेप की पुरजोर निंदा करते हैं। सीएम साहब का संभावित दौरा भी है, क्या उनसे भी मुलाकात की जाएगी? हम तो कल ही जाके मुलाकात करने वाले हैं, यहाँ से सारे जो वकील इकट्ठे होके जा रहे हैं उनसे वहाँ पे मिलेंगे। 1 महीने तक वेट कौन करेगा? लोगों को जो परेशानियाँ होंगी उसको तुरंत जो है उनको न्याय मिल सके इस बात के लिए हम सारे इकट्ठे होके कल को जो है हम प्लान कर रहे हैं ताकि हमें सीएम साहब टाइम दें ताकि उनको जाके मिलेंगे, इंस्पेक्टिंग जज को भी मिलेंगे और हम होम मिनिस्टर को भी मिलेंगे जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट है। तो ये सारा जो है हमारा प्रोग्राम तैयार किया गया।